हाय 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 सुभान अल्लाह। चैप्टर नंबर 3 में बच्चों जस्ट आपके पास तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज 5 किंगडम सिस्टम। इसमें आपने शॉर्ट शॉर्ट मिला के किंगडम मोनिडा, किंगडम टोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया हमारे पास इंपॉर्टेंट। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर है, तीन ही लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम, बायनोमियल नॉर्मल कल्चर के उसके रूल्स एंड सिग्निफिकेंस। आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया इंशाल्लाह अल्लाह को कम से इसके बाहर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। सुन ले मेरी बात, याद रख ले मेरी बात, चैप्टर नंबर 3 का सिर्फ आपने तीन लॉन्ग क्वेश्चन ही करके जाने हैं। बस रोल, डीजल, घी, चावल, आटा, दालें, रोटी, अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बच्चों के पैंपर, बच्चों के फीडर। रोल बच्चों आपके पास 2022 में पहले 150 रुपए का था, 225 रुपए से 250 रुपए फी लीटर। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक्स एंड यूकेरियोटिक्स। आप कोई भी एग्जाम पास उठाकर देख लें, एग्जामिनर को चैप्टर नंबर 4 से यही क्वेश्चन नजर आता है बस। तो आपको भी सिर्फ यही क्वेश्चन नजर आना चाहिए ज्यादातर चैप्टर नंबर 4 में से। इसकी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो। अच्छा मैंने देखा बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पूरे खानदान में एक भी डॉक्टर नहीं ना होता तो उनको बायो रखने की आग लगी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो होगा बायोलॉजी 9th क्लास। 9th क्लास में याद रखें आपके पास तीन सब्जेक्ट साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। लास्ट में बच्चों आपके पास मैथ्स है। अगर आपके इन चार सब्जेक्ट में ग्रिप बहुत अच्छी है ना तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 500 प्लस मार्क्स इन एयरिंग स्कीम फॉर क्लास 9th बायोलॉजी एग्जाम 2024 के लिए। पंजाब के तमाम बोर्ड, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजीगंज, सरगोधा, रावलपिंडी, बहावरपुर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। टोटल बच्चों आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होगा। 60 मार्क्स में से बच्चों आपके पास 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। आपको पता है जरा लेंथी है, इस वजह से इसमें से आपके पास दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब चैप्टर में से आपके पास एक एक एमसीक्यूज आएगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें आपके पास बच्चों 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो किस किस चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, जो आपके पास पेयर बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का एक पेयर बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट जो पेयर बनेगा बच्चों वो बनेगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का, बच्चों आपके पास एक पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास ए और बी पार्ट का पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। अगर हम 9th डेट शीट एग्जाम 2024 की बात करें तो बच्चों 19 को आपके पेपर शुरू हो रहे हैं और बायो का बच्चों पेपर होगा 25 मार्च एग्जाम 2024 मंडे को। जिनकी बायोलॉजी होगी उनका बायो का पेपर होगा और जिनकी कंप्यूटर साइंस होगी उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास डिफाइन बायोलॉजी। इसी तरह इसके अलावा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड द वर्ड बायोलॉजी इज मेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 1 के बच्चों सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना तो आपके पास जो डेफिनेशन है ना आप जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको भी आपको शॉर्ट शॉर्ट बना के बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आता भी है तो बच्चों वो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, एक्सप्लेन एनी 4, इसमें तो आप कोई सी 4 जो ब्रांचेस है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा उसने मेंशन की है डिफाइन द फॉलोइंग, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एम्बियोलॉजी है। यहां पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपके पास जो क्वेश्चंस की फॉर्म में उसने पूछा जस्ट आपने वही एक्सप्लेन करनी है। लेकिन अगर आपसे वो ये कहता है बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एक्सप्लेन एनी 4, तो इसमें आप जस्ट अपनी मर्जी से कोई सी 4 बता सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में है। बायोफिजिक्स है, बायोजियोग्राफी है, बायोइकोनॉमिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास करियर इन बायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। याद रखें चैप्टर नंबर 1 का अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से 100% करियर इन बायोलॉजी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसका किस किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट डाउन द टेल ऑफ 4 प्रोफेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट अबाउट एनी 4 ऑक्यूपेशन रिलेटेड
टू बायोलॉजी हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकता है, विच प्रोफेशन कैन बी अडोप्ट आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज एक्सप्लेन एनी फाइव। याद रखे क्वेश्चन की जो आपके पास नेचर है वो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल टाइप के इनका जो आंसर है वो सेम है। मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, जाबर बिन हयान हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, अबू अली सीना हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑर्गेनली एंड सेल लेवल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसका जो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, राइट नोट ऑन ऑर्गेनली एंड टिश्यू लेवल हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो अगर वो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो बच्चों ये आपसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब दैट हाउ सेल्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मेक बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वेरी वेरी कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट में बच्चों हमारे पास पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप किस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, ये आपसे शॉर्ट शॉर्ट मिला के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम्स बना रहे अगर वो अपनी वाइफ से अपने बच्चों से हैप्पी है तो जस्ट बच्चों वो आपको ये भी पूछ सकता है, कम्युनिटी लेवल भी पूछा जा सकता है। द लास्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इज बायोस्फीयर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसकी तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल टाइप हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, मस्टर्ड प्लांट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर हम गेस्ट पेपर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 9th बायोलॉजी के आप एमसीक्यूज बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी बॉटनी, व्हाट इज स्पीशीज विद एन एग्जांपल, व्हाट आर पैरासाइट, फ्रॉम व्हिच ग्रीक वर्ड द वर्ड बायोलॉजी इज मेड, व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड हैबिटेट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, डिफाइन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव एन एग्जांपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपके पास तीन टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करियर इन बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपके पास मैं कॉन्सेप्चुअल टाइप बताऊं तो विच प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्ट आफ्टर बायोलॉजी स्टडी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके बाद अनदर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनली एंड टिश्यू लेवल, और इसका जो कॉन्सेप्चुअल टाइप था डिस्क्राइब दैट हाउ सेल्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में से बच्चों आपके पास पिद्दा सा ये चैप्टर है, इसमें से जस्ट आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द टू स्टेप बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, हाउ रिपोर्टिंग द रिजल्ट अकर्स, व्हाट इज प्लाज्मोडियम इन द केस ऑफ मलेरिया हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ एएफए किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, लास्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइंटिफिक मेथड है, हाइपोथेसिस इज मेड है, बायोलॉजिकल मेथड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको निशान लगवा के आया हूं। जस्ट बच्चों याद रखें चैप्टर नंबर 2 में जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है, और जो हमने आपको गेस्ट पेपर दिया ना जस्ट आपने इसी को प्रिपेयर करना है बच्चों, जो हमने गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स को दिए थे पूरा पेपर अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे ही गेस्ट पेपर में से आया है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं, हमारे गेस्ट पेपर में से क्या-क्या पेपर में आया है, फाइन बायोग्राफी, व्हाट इज बायोग्राफी, फाइन मैक्रो मॉलिक्यूल, डिफरेंशिएट माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल विद एग्जांपल, हाउ हाइपोथेसिस इज मेड, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफाइन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफाइन टैक्सा एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमी एपोप्टोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमिक सेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डिस्क्राइब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स, डिफाइन कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, व्हाट इज गुआइटर। लॉन्ग क्वेश्चन में तो कमाल कर दिया, जो हमारे गेस्ट पेपर में था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं,
डिफाइन प्लास्टिड्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स, जो जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिया था अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर आया है। हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम, ये देखिए हमने अपने गेस्ट पेपर में बताया था, फाइव किंगडम सिस्टम हमने गेस्ट पेपर में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ये आप अपने सामने प्रूफ चेक कर ले, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में टोटल नंबर आपके पास 522 है, कुरुतुलैन फातिमा के टोटल नंबर 535 है, सादिया के टोटल नंबर 537 है, एग्जाम 2023 में रोल नंबर भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, BCPM साइंस चैनल है वो स्टूडेंट्स को चूना लगाने के लिए फिर बहुत सरगर्म है। 9th क्लास के मैंने बाय किए हैं, मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, मैंने सेकंड ईयर क्लास के बाय किए हैं, सारे के सारे ओल्ड बुक्स के बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर से आपसे वो कहेगा 03065095794 पर इजी पैसा करें या जैस कैश करें, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बच्चों आपके पास जो न्यू बुक्स आई हैं, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक आ चुकी हुई है, कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की न्यू बुक आई है, 9th क्लास की न्यू बुक आई है, इसी तरह तर्जमतुल कुरान 9th क्लास की न्यू बुक आई है, तर्जमतुल कुरान 10th क्लास की न्यू बुक आई है, इस्लामियात 9th, इस्लामियात 10th की बच्चों आपके पास न्यू बुक आई है, लेकिन BCPM साइंस वाले के पास पुराने गेस्ट पेपर्स हैं। जब आप इनसे गेस्ट पेपर 2000 के बाय कर लेंगे, जब आप उनको देखेंगे आराम से तसल्ली से देखेंगे, तो आपके पास पुरानी बुक्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स BCPM साइंस चैनल से गेस्ट पेपर मंगवाए, सबसे पहले उनको कहें कि हमें तर्जमतुल कुरान 9th क्लास इस लाजमी जो न्यू बुक आई है उनके एक एक दो दो चैप्टर का सैंपल दिखाए, जैसे मैंने आपको पूरी पूरी बुक का सैंपल दिखा रहा हूं हर एक चैप्टर का। इनसे भी आप कहें, BCPM साइंस से भी कहें कि हमें पहले सैंपल दिखाए, फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन बायोडिवर्सिटी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, टैक्सोनॉमी हायरार्की, डिफाइन स्पीशीज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 सुभान अल्लाह, क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है चैप्टर नंबर 3 का। मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, चैप्टर नंबर 3 में बच्चों जस्ट आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज 5 किंगडम सिस्टम, इसमें आपने शॉर्ट शॉर्ट मिला के किंगडम मोनिडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया हमारे पास इंपॉर्टेंट, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह, बायोलॉजिकल नॉर्मल कल्चर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसके रूल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, और सिग्निफिकेंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 3 में याद रखें बच्चों, तीसरा चैप्टर है, 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम, बायनोमियल नॉर्मल कल्चर के उसके रूल्स एंड सिग्निफिकेंस। आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से इसके बाहर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सुन ले मेरी बात, याद रख ले मेरी बात, चैप्टर नंबर 3 का सिर्फ आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही करके जाने हैं बस। डिफाइन एंड राइट इट्स 2 केसेस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, इंडक्स डॉल्फिन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, पैराबस्टर्ड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। नंबर 3 के आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम में देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हर साल जो एमसीक्यूज है हमारे ही गेस्ट पेपर से आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बायनोमियल नॉर्मल कल्चर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बायोडिवर्सिटी है, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स है, हाउ डू वी राइट साइंटिफिक नेम, गिव एग्जांपल, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी स्पीशीज, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी मैं आपको निशान लगवा के हूं। आपने जस्ट जो भी करना है बस हमारे गेस्ट पेपर से ही प्रिपरेशन करनी है, आपके स्कूल के सेंड अप हो, आप स्कूल का एग्जाम्स हो, आपका बोर्ड का एग्जाम्स हो, जस्ट आपने हमारे ही गेस्ट पेपर प्रिपेयर करने हैं। अब नंबर भी बायोलॉजी के जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे, बायोलॉजी में 60 में से 57 मार्क्स हैं, बायोलॉजी में 60 में से 58 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 494 हैं। मियां मुसद्दी के जनाब आपके पास बायोलॉजी में 60 में से 59 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स 503 हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे, आप भी हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाए। अगर आपको भी 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 चाहिए, जिसमें तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस की भी न्यू बुक है, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात कंपलसरी की भी बच्चों आपके पास न्यू बुक है, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 500 प्लस मार्क्स गेन करें गारंटी है। ये चेक करें एग्जाम 2023 में बच्चों इशाल के नंबर कितने आए हैं, 522, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह कुरुतुलैन फातिमा के बच्चों रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर है 535, फिजिक्स में 60 out of 60, केमिस्ट्री में 60 out of 60, बायोलॉजी में 60 out of 60, इसी तरह बच्चों सादिया का रोल नंबर भी आप अपने
स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल 4। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। और अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लें। अगर आपको भी 500 प्लस मार्क्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें। चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में एंड ऑल्सो इन लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें ना, मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्विंग पावर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मोड बेटा, सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, जस्ट इस डायग्राम की वजह से। याद रखें अगर आपने बायोलॉजी में पूरे मार्क्स गेन करने हैं 60 out of 60 तो आपको बायोलॉजी में लाजमी ड्राइंग्स आपका लाजमी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो आपके बायोलॉजी में पेपर अच्छा होगा। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपके पास जो भी बायोलॉजी का आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसकी आपने लाजमी ड्राइंग लाजमी बनानी होगी, देन ही आप 5 out of 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड में जस्ट ये थ्योरेटिकल पार्ट लिख के आते हैं और अपनी ड्राइंग का पार्ट नहीं बनाकर आते हो तो आपके बच्चों पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू यू नो अबाउट साइटोस्केलेटन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर इसका इनर क्वेश्चन भी आता है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एंड एक्टिन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद सेकंड वन लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, जस्ट इस डायग्राम की वजह से। याद रखें बच्चों मेरी प्यारी शहजादो, मेरे प्यारी शहजादियो, मैं कान खोल के सुन ले, मैं गला फाड़ फाड़ कर आपको बता रहा हूं कि याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 आपको अगर जहर भी लगता है लेकिन अगर आपको लॉन्ग भी है ये चैप्टर तो आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि आपने आगे एफएससी प्री मेडिकल करना है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए आपने जान नहीं चुरानी जब तक आपका 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसको आपने करते रहना बस। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। हाय 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 चैप्टर नंबर 4 की जान, बायोलॉजी बुक की जान, पूरी क्लास 9th में आपके पास बायोलॉजी का एक ही लॉन्ग बचा है तो मैं अपनी जुबान से कहने लगा हूं। वो क्या कहने लगा हूं? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। आप कोई भी एग्जाम्स पास्ट उठाकर देख लें, एग्जामिनर को चैप्टर नंबर 4 से यही क्वेश्चन नजर आता है बस, तो आपको भी सिर्फ यही क्वेश्चन नजर आना चाहिए ज्यादातर चैप्टर नंबर 4 में से। इसकी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखें अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपके बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर जिनकी ड्राइंग्स अच्छी नहीं है तो वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज कंपाउंड टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल के साथ साथ बच्चों डायग्राम की भी प्रैक्टिस करवाई थी, जिसकी वजह से चांद के चांद लगे नंबर अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 60 में से 57 मार्क्स, असद के आप मार्क्स देख सकते हैं 60 में से 58 मार्क्स, मुसद्दिक के आप मार्क्स देख सकते हैं 60 में से 59 मार्क्स। किसमें है? बायोलॉजी में। अगर आप भी हमारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड और एग्जाम्स में 500 प्लस मार्क्स गेन करना चाहती हैं, तर्जमतुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत कंपलसरी की बच्चों हमारे पास न्यू बुक आई है, जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गारंटी गेन कर सकते हैं। ये आप अपने सामने प्रूफ चेक कर लें, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में टोटल नंबर आपके पास 522 है, कुरुतुलैन फातिमा के टोटल नंबर 535 है, सादिया के टोटल नंबर 537 है, एग्जाम 2023 में रोल नंबर भी आप अपने स्क्रीन चाहती हैं, तो हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें, क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर किसी चीज का पता ना चल रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें, जिससे आप एग्जाम 2024 में 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाते हैं, दिन को पढ़ें, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने वालदैन के लिए पढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ें, 500 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ें। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों आपके पास 3
शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बायोएनर्जेटिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, सेडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। राइट डाउन द 3 सब यूनिट ऑफ एटीपी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन में विद इट्स डायग्राम। डार्क रिएक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है विद इट्स डायग्राम, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। डार्क रिएक्शन की ये डायग्राम है, लाइट रिएक्शन की बच्चों ये डायग्राम है। पिगमेंट्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। सेलुलर रिस्पिरेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। याद रखे चैप्टर नंबर 7 का जस्ट मैं आपको एक ही लॉन्ग बता रहा हूँ जो आपने अच्छे तरीके से करके जाना। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्रब साइकिल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर आप ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो बच्चों आप एक लॉन्ग कंप्लीट हो सकता है, लेकिन विद इट्स डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखे चैप्टर नंबर 7 में डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को आप विदाउट डायग्राम, किसी भी चैप्टर को अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के सेंस में करते हैं तो विदाउट डायग्राम क्वेश्चन इज इनकम्प्लीटेड। चैप्टर नंबर 8 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। माइक्रो न्यूट्रंस एंड मिक्रो न्यूट्रंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रंस इन प्लांट लाइफ हमारे पास वेरी वेरी सोडियम है, कैल्शियम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 से आपने लॉन्ग नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। लिपिड्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड ट्रेसर हमारे पास मिनरल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। नेम द 2 डिजीजेस दैट केस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डाइटरी फाइबर्स डाइट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्रोटीन्स एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। वाशकर मराजम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। वाइटर एंड एनीमिया हमारे पास वेरी वेरी बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डाइजेशन इन ह्यूमंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके फेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। चर्निंग एंड काइम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। अपेंडिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। राइट डाउन 2 फंक्शन ऑफ लीवर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है। नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 बच्चों जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करके जाना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना है। बोल बोल के बच्चों मेला गला रह गया है, तो आपने भी जितनी आपसे मेहनत हो सके तो आपने उतनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट की वजह से बच्चों आप प्री मेडिकल कर सकते हो या अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। अगर आप 525 प्लस मार्क्स गेन करती है तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे। आप अपने वालदैन के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ो, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो। अच्छा मैंने देखा बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पूरे खानदान में एक भी डॉक्टर नहीं ना होता तो उनको बायो रखने की आग लगी होती है। अगर आपने बायोलॉजी रखी हुई है तो अब आपने दिल लगाकर पढ़ना भी है। दिल लगाकर पढ़े, हमारे गेस्ट पेपर से पढ़े। अगर आप भी हमारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड और एग्जाम्स में 500 प्लस मार्क्स गेन करना चाहती हैं, तर्जमतुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत कंपलसरी की बच्चों हमारे पास न्यू बुक आई है जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गारंटी या गेन कर सकते हैं। ये आप अपने सामने प्रूफ चेक कर लें। फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में टोटल नंबर आपके पास 522 है, कुरुतुलैन फातिमा के टोटल नंबर 535 है, सादिया के टोटल नंबर 537 है, एग्जाम 2023 में रोल आती है। तो हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाए। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें। क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दे। अगर किसी चीज का पता ना चल रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें जिससे आप भी एग्जाम 2024 में 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाते हैं, दिन को पढ़ें, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने वालदैन के लिए पढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ें, 500 प्लस मार्क्स गेन रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।